बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूब्रिक आज मैंने आपको शेयर की थी, रेज सफरिंग फ्रॉम। इसमें एक एलोज है और दूसरे नंबर पे कैम्फर है। ये मर्फी रेपर्टरी बता रही, बाकी सारी एक ही मेडिसिन दे रही है। अब एलोज का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एलोज का इश्यू क्या है। एलोज जो है ऐसा क्या करती है और क्यों ऐसा करती है, गुस्सा क्यों करती है, ये बात समझने वाली है। अच्छा, अब जब ये बात आपको समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी एलोज के बारे में। अब हमें बेसिकली जब भी कोई मेडिसिन को हम स्टडी करते हैं या उस रूब्रिक को समझते हैं तो वो उसका समझना हमारे लिए, रूब्रिक जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको जब तक उसकी समझ नहीं होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप अच्छी तरह नहीं लगा सकेंगे। अब रूब्रिक का रेज सफरिंग फ्रॉम, हमें समझना है कि रेज क्या चीज होती है। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड रेज, आप इसको चूंकि आप गुस्से में डाल देंगे, एंगर में डाल, एंगर और रेज इनमें डिफरेंस भी पहले पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंगर क्या चीज होती है और गुस्सा क्या होता है। ये जब तक आपको आपस में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो आपको अच्छा। अब हमें पहले तो होता है कि जो एंगर क्या चीज है, एंगर को समझे। एंगर जो होता है ये बेसिकली इमोशनल एग्रेशन होती है, ठीक है। एंगर क्या होता है, वो इमोशनल होता है, और रेज जो होता है वो फिजिकल एंगर होता है। ये मेन डिफरेंस है, आपको समझ आइए। एंगर जो होता है इमोशनल लेवल पे होता है, जी सर। रेज जो होता है ये फिजिकल लेवल का एंगर होता है। मिसाल के जब भी आप ये जब भी आप किसी मरीज को किसी को देखते हैं, वो कहते हैं ये बहुत गुस्सा करता है तो, जी अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ये मारता भी है, साथ गुस्से में मार देता है, अटैक कर देता है, ये गुस्से में अटैक कर देता है, इस हद तक होता है गुस्से में ये अथपाई तक नौबत आ जाती है, वहां पर आप वर्ड यूज करेंगे रेज। एक उन्हें एंगर स्ट्राइकिंग, उसमें मारना, उसमें देखें उसमें एंगर स्ट्राइकिंग में जो होता है वो थ्रू आउट मारता रहता है, यानी उसमें मार नहीं हो शामिल होता है। लेकिन इस रेज में क्या होता है कि उसमें अटैक करना, इसका कोई पता नहीं चलता गुस्से में हमला कर दे, इसका गुस्सा इतना लेवल, गुस्से का लेवल पीक में जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको ना इन रूब्रिक्स को, इन बातों को थोड़ा सा आपको इन पेशेंट्स के वर्जन्स को आपस में क्लियर करता हूं मैं। जिस तरह ये होता है कि जिस तरह एक फादर है तो अपने बच्चे को मार, इसको जब गुस्सा आता है इसकी मामा है बस उसको, जिस तरह कई दफा बच्चों की मदर होती है, फादर है, बड़ा भाई है, तो उसको यह था कि उसने किताब उठा ली, भाई ने था क्यों उठाई गुस्से में, मैंने किताब उठाई, फिर वो क्या दूसरे बहन ने, छोटी बहन ने उसने कुछ उसकी कलम ले ली, था उसमें गुस्से में। आप इसको इसको कहते हैं एंगर स्ट्राइकिंग, यानी उसकी एक रूटीन बन जाती है एंगर स्ट्राइकिंग। लेकिन अब आगे आगे जाते एंगर खाली गुस्सा आ जाना, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में जाना, अब गुस्सा इतना पीक पे चला जाए, यानी बना बहुत एग्रेशन जो होती है आपकी बहुत पीक पे चली जाए और उसमें अटैक करते हैं, उसमें अटैक कर दे, यानी अब देखें दूसरा जो होता है एंगर स्ट्राइकिंग में और एंगर इसमें गुस्से का लेवल जो ना एग्रेशन लेवल काफी पीक पे होगा, और जो रूटीन में गुस्से होते हैं ना, गुस्सा होता है स्ट्राइकिंग वाला एंगर, वो उसकी गुस्से की बहुत पीक नहीं होती,
ये आपस से बाहर हो जाता है, फिर उसके बाद ये यानी कि फिजिकली अटैक करता है, उसमें उस गुस्से में आपस से बाहर नहीं होता। तो फादर है कि जब बच्चों को मारता है, माँ है मारती, बड़ा भाई है मार रहा है, उसमें एग्रेशन जो होती है वो पीक पे नहीं होती। इसमें जो होता है रेज में एग्रेशन भी होती बहुत पीक पे होगी और उसके साथ फिजिकली अटैक करता है। इसको इसको आप कहते हैं वायलेंट एंगर, वायलेंट एंगर जिसमें आगे जिसमें कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस आता है, रेज और एंगर क्या होता है। अब आपको समझ आइए जी सर, दोनों को जब आप एक एक आध थप्पड़ पे गुजारा कर लेगा। हाँ वो मतलब जैसे माँ मारती, बहन मारती, बच्चा मारा, उसका एग्रेशन जो होता है वो ज्यादा एंगर नहीं होता, उसका एंगर की एग्रेशन का लेवल बहुत हाई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एग्रेशन का लेवल बहुत हाई है, रेज में बहुत हाई होता है। वो आमतौर पे आके ये क्लेम करते थे कि जी ये गुस्से में जाके बहन भाई को मारना शुरू कर देता है, वो क्यों मारता है, अगर किताब ले ली वो ली, मेरी क्यों ली, फलां की ऐसे ऐसे करके, तो वो ये मारता है। वो उसका मारना जो होता है वो उसमें मारने पे ज्यादा फोकस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या जी से गुस्सा तो हद हो जाती है बस, कुत्ता हो सकता है उसमें फिर अटैक कर सकता है, कुछ कर सकता है, कोई पता नहीं सफरिंग फ्रॉम, यानी सफरिंग फ्रॉम मीन्स होता है कि द पर्सन प्रीऑक्यूपाइड विद द डिजीज, विद द सफरिंग, अनकंफर्टेबल स्टेट, यानी वो बंदा बीमारी की हालत, यानी बीमारी की होते हैं अनकंफर्टेबल स्टेट होगी, उस स्टेट में ये पर्सन क्या करता है, इस किस्म का करता है। अब बीमारी क्या है ये बात की बात, कुछ भी हो सकती है, सिरदर्द भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है, बीमारी कोई भी हो सकती है, मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। अब एलोज ऐसा क्यों करता है, अब एलोज को हमने समझना है कि ऐसा क्यों करता है। ये बातें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो मेरे ख्याल में आपको काफी हद तक चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। ये ऐसा करने पे क्या रीजन हो सकती है, ऐसा करने में क्यों हो सकता है। एक्चुअली इसके बारे में कहते हैं कि एलो सुकुटिना, सुकुटिना इसका नाम है, इसका SOCOTRIN, प्री ऑक्यूपाइड विद हेल्थ डिजीज, अपनी सफरिंग जो है उसकी बीमारी उसके साथ ये प्रीऑक्यूपाइड होता है, ठीक है। नहीं, उसके साथ ये बिजी होता है, प्रीऑक्यूपाइड का मतलब उसके साथ गेज होता है। ये जो पर्सन है उसके उसी में अपनी बीमारी के मतलब ये, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी चीजों में वो इन्वॉल्व होता है। यानी जिसको कहते हैं कि आप यार वो, जिस तरह हम कहते हैं ना कोई पर्सन जो होता है वो अपने बीमारी में कंप्लीटली फोकस उसका बीमारी होती है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, यानी उसका कोई फोकस, ये मैं आपको ये एक इसको जनरलाइज, ये आप कुछ और भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो उसका अपना जितनी मेवर है वो सारा डिजीज होता है, उसका इशू सारा वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये इस जब ये वाली जो बात आती है ना प्री ऑक्यूपाइड विद डिजीज, इसके बाद फिर थोड़ा सा जो चीजें हैं वो समझने वाली क्या चीजें हैं वो थोड़ी सी आपको मैं समझाता हूँ। जब एक पर्सन जो होता है वो अपने मसले में, अपने इश्यूज में उस सारे का साला उसी में इन्वॉल्व हो, उसका जितना भी वो क्या कहते हैं अपना
मेवर है, वो सारे का सारा डिजीज है, उसकी एलिमेंट है, उसकी कालम है, ठीक है, उसी के अंदर ये गुम होता है सर, उसी के अंदर इन्वॉल्व, उसी के मतलब बातें, उसी के मतलब सब कुछ होता है सर। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम जो स्टार्ट होते हैं वो हमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होते हैं, क्यों ऐसा आ जाता है, वो आपने समझना है कि ऐसा करने पे क्या पॉसिबिलिटीज है, क्यों ऐसा हो जाता है, इसकी कौन सी चीजें ऐसी। अब इसकी एक रूपरेख बताता हूं, मैं लिखा हुआ है थॉट्स थॉटफुल वेदर इन कोल्ड वेट। मैं इधर आपको थोड़ा सा उधर आपको कहते हैं मैं ले भी जाता हूं ताकि आपको वो रूपरेख नजर भी आ जाए और आप देख लें प्लीज। ये रूपरेख है इसकी, अगर आपको नजर आ रही हो, ये रूपरेख है थॉट्स थॉटफुल वेदर इन कोल्ड वेट। ओनली सिंगल पिस में दवाई बनती है एलोस। अब क्या है इसका मतलब क्या होता है, थॉट्स में उसके साथ साथ थोड़ी थॉट्स इंट्रूड क्राउड ईच अदर, थॉट परसिस्टेंट, थॉट रश नाइट, यानी रात को जहर को टूटता है, वो सारी बातें इसकी जारी रहती है। ये जो बातें ये सारी बातों इन सब बातों का मतलब क्या होता है, ये चीजें आपको समझने वाली है। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है वो सोचों में उन्हीं सोचों में वही फिक्स सोचे, वही बातें, वही सारी चीजें उनके बारे में ये सारे का सारा उसी पे सोच रहता है। और वो क्या चीज है, अपनी बीमारी डिजीज, यानी उसी में ऑक्यूपाई, उसी में मसरूफ होता है, उसी में लगा रहता है, उसी के साथ एंगेज होता है, वही सब कुछ कर रहता है। अब इरिटेबिलिटी वेदर इन रेनिंग, ये थोड़ा सा मैं आपको मजीद थोड़ा सा इसके अंदर जाता हूँ ताकि आपको इसका इसके अंदर मजीद चीजों आपको पता चल जाता है। ये जो रूब्रिक आपको मैंने अभी बताई है, इस रूब्रिक को पहले हम समझते हैं कि इस रूब्रिक का मतलब क्या है। ये जो लास्ट में मैंने आपसे शेयर की है, ये हमें राइटर क्या कहना चाहता है, या जब प्रूविंग के दौरान उसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इस किस्म की बातें हुई ऐसी, ये समझने वाली बात है। अब रूब्रिक है थॉट्स वेदर इन कोल्ड वेट, यानी कि थॉटफुल बंदा सोच रहा है, सोचों में है, वेदर मौसम जो होता है, इन कोल्ड वेट, कोल्ड का मतलब ठंडा, वेट गीला। एक्चुअली क्या होता है कि कोल्ड वेट जो होता है कि सारे लोग बड़े अच्छी इन्वायरमेंट है, कोल्ड वेट जो होती है ना बड़ी सूदिंग, सूदिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कोल्ड वेट कोई नो डाउट कि लोग इतने ज्यादा आपस में आप थोड़ा सा चीजों को जब आप मेटाफॉर आप यूज करते हैं ना, मेटाफॉर को यूज करते हुए आप उस चीज को उसके कंसर्न देखा करें इश्यूज के। अब जिस तरह होता है कोल्ड वेट, हल्की बारिश लगी हुई है और ठंडा सा मौसम है, और असल में इस बात का थोड़ा सा शायद जो लोग अंग्रेज होते हैं उसको बहुत एंजॉय करते हैं, हम लोग थोड़े से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनका मतलब बार वो बारिश ज्यादा हो गई कीचड़ हो जाता है तो आप तो तंग हो जाते हैं ना, तो नॉर्मली जो अंग्रेज होते हैं ये कोल्ड वेट वेदर को अच्छी एंजॉय करते हैं, वो बड़ा सुहाना मौसम होता है, परिंदे किस तरह कोल्ड वेट वेटर में चा चा पा पा बड़ा मजा आता है, शायद आपको शायर जो होते हैं उस पे वो देख रहे थे, उनकी सी छाई होती है और साथ जनाब हल्की हल्की बारिश होती है, वो कोल्ड वेट वेदर होता है, ठीक है, ठंडा भी होता है, उसमें मजा चुस्की लगाए गर्म चाय की तो बड़ा मजा आता है, तो
और उसमें क्या कहते हैं जो प्यार करने वाले होते हैं वो पकोड़े बना के प्यार भी करते हैं। लेते तो ये बेसिकली कोल्ड वेट वेदर होता है, ठीक है। अब हमारे जो है डेवलपिंग कंट्रीज के मसाइल होते हैं, मैं थोड़ी सी मजाक भी कर देता हूँ आपको कि उदाहरण के उनके मसाइल क्या होते हैं। अब बारिश हो गई, देखना सही बार पानी आ गया, देखना सही बार वो कीचड़ से बच्चे ना भीग जाए, वो जनाब लकड़ियां खत्म हो गई हैं, उनके फिर अपने अपने होते हैं। हमने आइडियल बात करनी है, वो तुमने पति लेके आए नहीं थे, पकौड़े ना बड़े बातें कर रहे, बेसन ही नहीं है, लाइट ही नहीं तो है, लाइट ही चली जाती है आईटी सबसे चली पहले तो। गई। लेकिन आपने ना इस एनवायरमेंट को केस नहीं करना, आपने दूसरी को करना, ठीक है। कोल्ड वेट वेदर तो ये उसमें सोचों में होता है, ये थॉटफुल होता है। अब थॉटफुल जो है वो उसकी सफरिंग है, डिजीज है उसकी। अब ऐसा बेसिकली असल में उसकी अब रीजन क्या हुई थी, क्यों ऐसा हुआ है। एक अब हम जाते हैं इसकी एलिमेंट में। अब इसके अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिन वजह से ये ऐसा हुआ है, इसको ये ऐसा करने पे मजबूर हुआ है। थोड़ा सा एलिमेंट को देखते हैं फिर हम इसकी। मैं आपको ना बेसिकली आपको दो चीजें यहाँ सीखेंगे आप। एक तो ये कि आपका बड़ा स्पेसिफाइड मटेरियल मेडिकल वाला नॉलेज आप रेपर्टरी के थ्रू ले सकते हैं इसको समझने का। अच्छा, अब इसको बेसिकली क्या, ये रेज फरी एलिमेंट फ्रॉम अपनी बीमारी से गुस्सा बहुत आता है, यानी फरीज टाइप, फरीज बहुत रत्ता हो जाता है सब गुस्से, ये फरीज टाइप बन जाता है बीमारी की वजह से। एग्जर्शन एलिमेंट फ्रॉम वीकनेस, इसको अपनी बीमारी की वजह से वीकनेस होती है और एग्जॉस्टेड फील करता है, थका मांदा रहता है, ये इसका बेसिकली एक रीजन। फिर उसके बाद ह्यूमिलिएशन मॉर्टिफिकेशन एलिमेंट फ्रॉम, इस बंदे की जगह होता है ह्यूमिलिएशन होती है, लेकिन ह्यूमिलिएशन माने बहुत ज्यादा अपनी स्किन बेइज्जती हुई होती है, ये इसके मेनोपॉज एलिमेंट, मेनोपॉज भी एक वन ऑफ ये इसका सारा वो मेनोपॉज एलिमेंट फ्रॉम। मेनोपॉज को आप कैसे लेंगे जब आपका फर्टाइल नहीं रहते, यानी आप फर्टिलिटी, जाहिर है कि मेनोपॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, द वुमेन इज नॉट फर्टाइल। अब वो जो सुहाना मौसम वाले ख्वाब है वो नहीं रहते, यानी आप फर्टिलिटी के साथ रिलेशन होता है, वो चीज इसके अंदर नहीं होती। फिर हम थोड़ा सा चले जाते हैं इसके बाद यहाँ पर चले जाते हैं दूसरी कंप्लीट प्रॉपर्टी में देखते हैं, ताकि मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं आपको बता रहा कि आपको अगर स्विकस वाइज देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर एलिमेंट ये क्या कौन मुझे बताता है, एडमिनिशन एलिमेंट फ्रॉम, इस एडमिनिशन का मतलब नसीहत जो मुझे इनको लगाते हैं ना, वो ज्यादा नसीहत लिख डाउन टपोर्ट हो गया नसीहत लगाना, ये एडमिनिशन इज बच्चों की नसीहत लगाई तो मैं ऐसा ना करूँ, उस वजह से ये भी होता है। एंग्विश एलिमेंट फ्रॉम, यानी एंग्विश का मतलब मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। बिजनेस एलिमेंट, कॉन्ट्रोडक्शन एलिमेंट फ्रॉम, कॉन्ट्रोडक्शन एलिमेंट फ्रॉम रिस्ट्रेन वंस एंड मस्ट टू कीप फ्रॉम वायलेंस, कोशिश ये करता है कि कॉन्ट्रोडिक्शन तो आगे कोशिश करता है कि आप इसको इश्यू होता है कि गुस्सा बहुत आता है, यानी मैं कहता हूँ कि अपना, मैं कहता हूँ जनाब अक्रम साहब आपने ये करना है मेरे से, कॉन्ट्रोडिक्ट्री आ गई। अब कॉन्ट्रोडिक्ट्री में इसको फिर ये करता है, उस कॉन्ट्रोडिक्शन की वजह से ये अपने आप को बाउंड करता है, कहीं मैं इसको इतना गुस्सा आया तो कहीं मार ना दूं, वायलेंस ना कर दूं, उसको रोकने की वजह से इसको फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। जब वो कॉन्ट्रोडिक्ट होता है, कॉन्ट्रोडिक्ट को रिस्ट्रेन करता है अपने आप को, उस वजह से इसको गुस्सा बहुत आ जाता है, एम्बेरसमेंट फीलिंग। अच्छा, उसके बाद अब मॉडिफिकेशन रिप्रोचेज एलिमेंट, इस पे इल्जाम जो होते लगाए होते हैं उसमें से, सरप्राइजेस एलिमेंट फ्रॉम। अब अगर आपको जो इसमें बात जो मुझे समझ आई, जो समझने वाली है ना, वो आपने समझनी है, वो बड़ी अजीब सी बात है, वो अगर आपको थोड़ी समझ आ गई, इसका एक इश्यू बड़ा है। पहले डिल्यूजन में जाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा मजीद उस तरफ में लेके जाऊंगा कि व्हाट इज द, व्हाट वाज द मेन कॉज। इसका हमें फीलिंग क्या होती है इसकी लाइफ में, इसके कि इसकी जो फीलिंग है वो अंडरस्टैंड कर लें,
फिर हमें समझ आएगी कि एक्चुअली इसके अंदर इश्यू क्या है। एक तो ये कहते हैं जी कि अपना डिल्यूजन लाइव बर्डन बाय माय लाइफ, जिंदगी अपनी ये जिंदगी को बोझ महसूस करता है। अब ये डिल्यूजन सिटिंग हाई ही इज सिटिंग टू, वो ये कहता है कि जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ वो उसकी पोजीशन जो है वो सिटिंग हाई ही इज टू, वो एक अच्छी जगह बैठा हुआ है। हाई मुराद है कि वो उसकी जो जो उसका इस वक्त रुतबा है वो अच्छा है, इसका ऊपर वाला है। हाई हाई जब ये होता है ना लोगों के साथ कंपैरिजन डिग्री है, ये ऊपर वाला है, ये बाकी बहन भाइयों से ये बड़ा है। स्टेपिंग पर्सन इज स्टेपिंग हार्ड अप, इसको क्या कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेपिंग, क्या होती है ये थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करता हूं। लाइफ एंड सेट डाउन इज वन फुट आफ्टर द अनदर, ठीक है। अब स्टेपिंग, अब कहता क्या राइटर क्या कहता है, स्टेपिंग पर्सन इज स्टेपिंग हार्डर। डिल्यूजन स्टेपिंग वो जो आगे कदम रखता है कि नहीं, एक के बाद दूसरा स्टेप रखता है, पर्सन इज स्टेपिंग हार्ड, उसको ना उसको स्टेपिंग लेने से यानी कि जैसे ना स्टेपिंग यार मैं कदम रखता हूँ वो मेरे लिए बहुत सख्त साबित होता है। अब सख्त साबित क्या होता है कि आप कहते हैं यार कदम बिजनेस में रखते हैं, किसी से एप्लीकेशन करते हैं, किसी से दुआ सलाम करते हैं, किसी से तलकात रखते हैं, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं, यानी स्टेप लेना। कोई एक स्टेप होता है टूरना वो रूटीन में आपके दिमाग, वो स्टेप नहीं है। स्टेपिंग क्या आती है, आप कहते हैं यार मैं बिजनेस में आता आता हूँ, मैं दोस्ती करता हूँ, मैं रिश्ता करना चाहता हूँ, किसी भी स्टेप लेना है, कोई आप शुरुआत करते हैं ना किसी भी काम की किसी चीज की, वो इसको बड़ी जो है इसको पर्सन स्टेपिंग हार्ड, इसको काफी डिफिकल्ट फील होती है। कहते जिस काम में ना मेरा बड़ा बहुत मुश्किल लगता है किसी काम में, उसकी एक रीजन तो ये है कि उसको गुस्सा बहुत आता है नंबर वन, दूसरा अपनी बीमारी का इसका बहुत ज्यादा इश्यूज है, तीसरे नंबर पे इसको बीमारी की वजह से एग्जॉस्टेड है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, एग्जर्शन फील करता है। अब उसके पीछे भी कुछ और होगा, डिल्यूजन टर्न थिंग्स विद हर थिंग्स वर टर्निंग, डिल्यूजन टर्न थिंग्स यानी वो चीजें सारी टर्न विद हर उसके साथ थिंग्स वर टर्निंग, यानी जो असल में जो उसके जो वाकया तो सारे, मिसाल के तौर पे मेरे साथ अजीत साहब बैठे हैं आप, वो ये महसूस करता है कि अजीज साहब मेरे तो दोस्त है, मैंने इसको दोस्त किया, इसके दोस्ती की तरफ स्टेप लिया, लेकिन नहीं दोस्त नहीं है ये तो कुछ और साबित हो गया। मैं बाप रिश्ता लेने के लिए गया अपने भाई का अपना किसी का, तो पता ये चला कि उन्होंने उल्टी मुझे कहा जी ये तो करप्ट बंदा है, मैं मतलब इस किस्म की चीजें बन गई, वो टर्न कुछ और हो गई है, टर्निंग थिंग्स वर टर्निंग कुछ और तरफ जाना शुरू हो गई। इसका मतलब ये मैं बिजनेस करने के लिए गया, तो बिजनेस करने के लिए गया वहां मुझे पता चला कि वो बिजनेस मेरे गले पड़ गई, गले पड़ना शुरू हो गई, यानी उल्लुट होना शुरू हो गया। ये बात समझ आई आपको, ये यू नो टर्न विद, अक्सर लोग ये बातें करते भी थे। उसके बाद अगली रूपड़े के वायरल अब क्या चीज होती है कि वायरल यानी वो जो बातें हैं जो इश्यूज हैं ठीक है वो सारे के सारे, जैसा नहीं मेरी न्यूज वायरल हो गई है या आपने सुना यार वायरल हो जाता, कहते हैं कि अराउंड सराउंडिंग्स उसके इर्द गिर्द वो सारी बातें उसकी बातें वायरल हो जाती है। मिसाल के तौर पे वो जी इसने वहां पर वो उसके साथ दोस्ती की और बाद में पता चला कि वो तो बंदा मेरे कल्ले पड़ गई, वो बातें सारी दोस्ती की, अगर रिश्ता मांगा, बिजनेस शुरू की, जो भी काम किया, किसी से तलकात रखे, कुछ किया, वो मेरे गले पड़ना शुरू हो जाती है। गले पड़ने में आता था कि उल्टी उल्टी वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाते, टर्निंग टर्न होना शुरू हो जाते हैं,
इन्हीं नेगेटिव साइड ही जाहिर होगी। ये कहते हैं फिर वो बातें सारी वायरल हो, सबको पता चलना शुरू होगी। सर नहीं, न्यूज में आके ये बातें सारी वायरल हो गई, ये तो वो जी सराउंडिंग्स में जितने सबको पता चलना शुरू होंगे, इस बात का मतलब ही होता है। अब अगर थोड़ा सा मजीद में आपको लेके जाता हूँ कि ऐसा इसकी मजीद डिलीजन पढ़ लो, फिर आपको मजीद असल असल रीजन बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है, कि वो कौन सी चीजें और है। डिलीजन इंसल्टेड ही अर्शीद, उसने मेरी तोहीन की। रेपुडाइटेड रिलेटिव भाई, मतलब इसका मतलब मेरे रिश्तेदारों ने भी वो मुझे रेपुडाइटेड भी इंसल्ट के मीनिंग आता है। आप कहते हैं डिलीजन बीटन डेट ही इज बीटन, उन्होंने मुझे जख्मी मारा। बीटन का मतलब है डेट ही इज बीटन डेट ही इज बीन, वो उस वो अब उसका जो जिसमें जैसा नहीं वो बीटन हुआ है, मार 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 के मीटर हो चुका है उसका बॉडी जो होती है, उसको जख्मी हुआ हुआ है सारा। डिलीजन बेटर देन अदर डेट ही, वो दूसरों से अच्छा है। बेटर देन अदर डेट इज कंडीशन इज डिलीजन बेटर देन अदर, उन घटिया लोगों से मैं बेहतर हूं। असल में कहने का ऑब्जेक्टिव बेटर देन उसकी जो कंडीशन है फिर भी बेहतर है, वो तो घटिया है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको कैसे समझाता हूँ, मेरी एक नंबर ए नंबर से तलकात होते हैं, मैं उससे कहता हूँ यार मैं रिश्ता मांगने के लिए आता हूँ। उन्होंने उल्टी मुझे कहा जी कि आप तो इस काबिल ही नहीं, आपके तो एजाई काम नहीं करते। तो ये कहता है कि मैं उनसे बेहतर हूं, मेरी कंडीशन उनसे बेहतर है, आप तो कटिया पान है ना, आप इल्जाम लगा के कर रहे हैं ना, या आप दो नंबर ही कर रहे हैं जो भी, इस बात का मतलब ये है। मर्डर्ड विल बी ड्यूरिंग मर्डर्ड, उसको आप कहता है कि यार जितना मेरे अंदर हुआ है ये सारा मुझे मार देंगे। अब इस वजह से ड्यूरिंग सेंसेस, आप उसकी जो समझने वाली जो हियरिंग सुनने वाली देखने वाली उसका सेंसेस क्या है, वो कहता है इसीलिए ड्यूरिंग सिटिंग टू आई, वो कहता है मैं इनसे बहुत बेहतर बैठ रहा हूं सिटिंग टू आई। अच्छा उसके बाद ड्यूरिंग रॉन्ग ही हैज डन, उसने सब कुछ गलत किया। अब ये सब फिर उसके बाद कहते हैं आप जिंदगी मुझे बर्डन महसूस हो रही है। अब अगली बात की तरफ मैं आता हूँ, जो बात आपको बहुत ही ज्यादा समझने वाली है, यार ये कौन सी चीज ऐसी है, किस चीज की वजह से हुआ ऐसा। असल में जो कहानी थी वो कहानी बड़ी अजीब सी, वो आप सुनेंगे तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। ऐसी वो क्या चीज थी जिस वजह से ये इतनी इस हद तक चला गया। ये मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ, आपको थोड़ा सा नजर आ जाएगी। ये रूब्रिक है, अगर आपको नजर आ रही हो ये नजर आ रही है आपको, फ्रेटरनाइज FRATERNIZE ZED, ये रूब्रिक है, अगर आपने नजर आई हो तो मुझे बताना। जी सर आ गई है, की बात है, आइए। ये असल में इसकी कहानी है सर, ये जो इसका इश्यूज है वो मैं आपको उस तरफ एग्जैक्ट बताता हूँ। फर्टिलाइज इसकी वर्ल्ड जो इसकी दुनिया है जहां पर रहता है वही दुनिया होती है। ये असल में इसकी एसोसिएशन जो होती है जिन लोगों के साथ है वो असल में इसके दुश्मन होते हैं, नजर नहीं आते लेकिन उसकी सोसाइटी में थे। ये ऐसा होता है इस तरह ना कि इसके दो सेंस होते हैं, एक इसका अगर आप मरीजों के वाले से भी करेंगे तो इसका एक फटनाइज का मतलब ये होता है, अगर आप किसी फौज में बैठे हुए, फौज में अक्सर कहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती ना रखें कि वो तलकात ना रखें कि पता नहीं कौन बंदा हो, या आपको एक बंदा है तो वो एक फौज में, दूसरा बंदा जो होता है वो किसी और मुल्क की फौज में है,
उसके साथ दोस्ती करने को कहते हैं फ्रेटरनाइज। ठीक है, इसका ये उस वहां पर आपका मीनिंग ये होगा, लेकिन हम होम्योपैथी में इसका मीनिंग क्या होगा, होम्योपैथी में ये मीनिंग होगा कि आप जिन लोगों के साथ दोस्ती करते हैं वो आपके एसोसिएटेड नहीं है। असल में वो क्या होता है, आपको एसोसिएटेड नजर आते हैं लेकिन असल में आपके वो दुश्मन होते हैं। ठीक है, वो अंदर से आपके, आपको जैसे नहीं कहते, आपके अंदर अंदर से खून चूस रहते हैं, आपके वो कर रहते हैं। ये बेसिकली उसका कहता है कि एसोसिएट आर फॉर्म अ फ्रेंडशिप विद समवन, स्पेशली वन हु इज नॉट सपोज्ड टू बी, यानी कि वो टर्निंग पीपल इनटू ब्रदर बट कंडक्टिंग सोशल रिलेशन विद पीपल हु आर एक्चुअली अनरिलेटेड एंड डिफरेंट क्लास, और दे आर वर सिबलिंग फैमिली मेंबर्स, वो डिफरेंट, उनकी क्लास डिफरेंट होती है, वो लोग उसके वो डिफरेंट होते हैं। ये आमतौर पर नेगेटिव सेंस में होता है, अपोजिंग होते हैं, मतलब वो आपके अपोजिंग होते हैं बेसिकली, वो ये आमतौर पर नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ऑलमोस्ट हार्म, इट इज ऑलमोस्ट हार्म मींस अ काइंड ऑफ वर्ड विद फॉर हाउस बिहेवियर फॉर आल्सो कंप्राइजिंग, इसका मतलब एट इट्स वर्स्ट। तो इसने उन लोगों के साथ तलकात रखे जो इसके नहीं होते। उसकी मैं आपको थोड़ा सा मैं कोर इसको इसके यूजेस बताता हूँ। मैं हम अक्सर में होते हैं कि जिस तरह आपका बहन भाई है कोई भी है, तो वो जाके ना वो कहते हैं जाके ना बादशाह के बेटे के साथ दोस्ती कर दी। अब उसका क्लास नहीं है उसकी, वो दोस्ती ज्यादा अरसा जमेंगी नहीं ना। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं कि या आप बहुत ज्यादा मस्त भी हैं, दूसरे ऐसे बंदे के साथ दोस्ती कर दी जो आपकी क्लास का नहीं है, या आप ये मेरे साथ इधर एक थी मैडम, उसका बच्चा वो गरीब से बंदे थे, आम से लोग थे, और क्या हुआ कि उसने जाके दोस्ती कर दी आईजी के बेटे से, कमिश्नर के बेटे से, सेक्रेटरी के बेटे से, ये उसकी फ्रेंडशिप सारी बन गई, उसकी सारी दुनिया सारी दून की वो दोस्ती थी। अब मुझे बताएं कि जब इसको हम कहेंगे पटनाइज, अपनी क्लास के लोग नहीं थे। अब जरा जब आपकी क्लास के लोग नहीं होंगे, उनके साथ जो एसोसिएशन करते हैं, तो उसके फिर आप खुद देख लें, कल आप जेलों में जाते हैं, फिर उनकी वजह से बदनाम हो रहते हैं, उनकी वजह से आपको इश्यूज बनते हैं, ब्लेम लगते हैं, अपनी क्लास से बाहर निकल जाते हैं। इसका जो होम्योपैथी में जो मीनिंग हम लेंगे ना, वो ये मीनिंग है, यानी आप उन लोगों के साथ एसोसिएशन रखिए जो आपके क्लास के लोग नहीं है। ठीक है, ये फर्टिलाइज विद द होल वर्ल्ड। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब आपके जिन लोगों से आपकी दोस्ती हुई, जिन लोगों के साथ रिश्तेदारी रखते हैं, जिन लोगों के साथ, इवन आपके अपना एक भाई, आपका आप जनाब बहुत गरीब हैं, या आपका भाई जो है वो अरबपति है, अब भाई के साथ आप एसोसिएशन रख तो दी आपने, ठीक है भाई आपका पहले छोटे थे, आप बड़े हो गए, अब भाई के साथ आप जब आप वहां जाएंगे, वहां पर जब आपसे एसोसिएशन रख लिया, आपका खाने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, उठने का, कपड़े पहनने का, आपको जरा आप अपने स्टेटस के मुताबिक वो अपने वहां पर आप आपके सब दोस्ती तो बन गई आपकी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके उसके जो कमेंट्स होते हैं बाकी लोगों के, वो कैसे होंगे आपको पता ही होगा। ये इसका इश्यूज है, इसका इसकी बीमारी ये वाली है, आप समझ आइए आपको। अब बताए गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। ये इसकी असल जो बीमारी है ना, साइकोमेंटल लेवल पे वो बीमारी है। तो अगर आप रीजॉइन कर लें ताकि टाइम खत्म हो गया, थोड़ा सा और बोल लेते हैं, ठीक है प्लीज।